हमने पढ़ा डिबेंचर्स इश्यू होते हैं पार पर, फिर हमने पढ़ा डिबेंचर्स इश्यू होते हैं प्रीमियम पर, और हमने पढ़ा डिबेंचर्स इश्यू होते हैं एट डिस्काउंट, राइट। कंपनी ने फेस वैल्यू है कंपनी की कितनी, फेस वैल्यू बच्चा कंपनी की है 100 रुपए। अगर कंपनी डिबेंचर्स इश्यू कर रही है, इश्यू प्राइस कंपनी ने रखी है 100 रुपए, या सेकेंड ऑप्शन में इश्यू प्राइस रखी है 120 रुपए, तीसरे ऑप्शन में इश्यू प्राइस रखी है 95 रुपीज। तो पहले ऑप्शन में इश्यू प्राइस कितनी रखी है बेटा आपकी 100 रुपीज, तो डिबेंचर इश्यू एट पार। दूसरे ऑप्शन में क्या है, डिबेंचर इशू एट प्रीमियम। बेटा प्रीमियम का पैसा कितना है, अबाउट द फेस वैल्यू, व्हाट इज अबाउट द फेस वैल्यू, कितनी है फेस वैल्यू 20 रुपए, वेरी गुड, 20 रुपए, तो 100 प्लस 20 रुपए, राइट। फिर डिबेंचर इशू हो रहे हैं 95 पर, तो यानी डिबेंचर इशू किस पर हो रहे हैं बच्चों, बोलो किस पे हो रहे हैं, डिस्काउंट पर। डिस्काउंट पर 100 रुपए है फेस वैल्यू, तो भाई 100 रुपए है, 5 रुपए का बेटा क्या है डिस्काउंट है। बोला गया डिबेंचर एक लोन इंस्ट्रूमेंट है, डिबेंचर एक लोन इंस्ट्रूमेंट है, तो डिबेंचर्स तो भाई आपका क्या होगा क्रेडिट, डिबेंचर एक लोन इंस्ट्रूमेंट है और डिबेंचर्स क्या होगा क्रेडिट, डिबेंचर ऑलवेज क्रेडिट, डिबेंचर ऑलवेज क्रेडिट एट फेस वैल्यू। एक्सेस अगर आपको पैसा मिला, एक्सेस अगर आपको पैसा मिला तो वो पैसा कौन से अकाउंट में जाएगा, परसेंट डिबेंचर ऑलवेज क्रेडिटेड विथ फेस वैल्यू, बोलो हाँ कि परसेंट डिबेंचर ऑलवेज क्रेडिटेड विद फेस वैल्यू, जो एक्सेस पैसा मिला तो बच्चों को कौन से अकाउंट में जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। डियर डिबेंचर ऑलवेज क्रेडिटेड एट फेस वैल्यू, यहाँ पे भी हम डिबेंचर्स परसेंट डिबेंचर्स किससे क्रेडिट करेंगे 100 रुपए से। अब मुझे आप एक बात बताओ सभी लोग ऑनलाइन ऑफलाइन, अगर 100 रुपए का डिबेंचर्स 95 पर इशू हो रहा है, 100 का डिबेंचर्स कितने पर इशू हो रहा है 95 पर इशू हो रहा है, तो बेटा 5 रुपए का हमारा लॉस है, 5 रुपए का डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट हमारा क्या है, ये लॉस है कि प्रॉफिट है, हाँ डिस्काउंट क्या है लॉस है। लॉस का नेचर क्या होता है डेबिट की क्रेडिट, लॉस का नेचर क्या होता है डेबिट। तो बेटा डिबेंचर्स आप 100 रुपए से क्रेडिट करोगे, डिस्काउंट आप कितने से क्रेडिट करोगे, डिस्काउंट आप कितने से क्या करोगे डेबिट करोगे कि क्रेडिट, डिस्काउंट आप 5 रुपए से बेटा क्या करोगे डेबिट। डिबेंचर ऑलवेज क्रेडिटेड एट फेस वैल्यू, डिबेंचर ऑलवेज क्रेडिटेड एट क्या होगा फेस वैल्यू, डिबेंचर हमेशा किस पे क्रेडिट होगी बच्चों फेस वैल्यू पर। अगर फेस वैल्यू से ज्यादा पैसा मिला तो कौन से अकाउंट में डालोगे SPR अकाउंट में डालोगे, अगर फेस वैल्यू से कम पैसा मिला तो कौन से अकाउंट में डालोगे डिस्काउंट, अरे यार फेस वैल्यू से कम मिला तो डिस्काउंट में, और डिस्काउंट क्या है लॉस है, लॉस का नेचर क्या होता है डेबिट। फटाफट नोट डाउन करो इसको, इतने स्टेटमेंट को नोट डाउन करो तो आगे बढ़ाओ। ये आ जाएगा बेटा डिस्काउंट, डिस्काउंट 5 रुपए से बेटा क्या हो जाएगा अपना, डिस्काउंट 5 रुपए से हमारा क्या हो जाएगा डेबिट। फटाफट करो, देखो चाहे डिबेंचर इश्यू हो प्रीमियम पर या डिबेंचर इश्यू हो गए डिस्काउंट पर, 100 रुपए का डिबेंचर अगर 120 रुपए में इश्यू हो रहा है, तो बच्चा इधर देखना, 100 रुपए का डिबेंचर अगर 120 रुपए में इश्यू हो रहा है, तो ये 20 रुपए का प्रीमियम जाएगा SPR अकाउंट में, बिल्कुल हाँ, और 100 रुपीज कहाँ जाएंगे बोलो परसेंट डिबेंचर्स में। ये प्रीमियम या ये डिस्काउंट ये 95 का जैसे है, 95 में डिबेंचर्स में कितना जाएगा, डिबेंचर्स कितने से क्रेडिट होगा 100 रुपए से, और 5 रुपए से क्या होगा डिस्काउंट, यानी क्या हो जाएगा डिस्काउंट क्या हो जाएगा डेबिट। तो 95 हो गया, ये 120 रुपए है, तो 100 का डिबेंचर क्रेडिट होगा और SPR 20 रुपए से क्रेडिट होगा। अब सुनो इतना आ गया ना, बोलो इतना आ गया, अब सुनना ध्यान से, चाहे डिबेंचर्स पार पर इश्यू हो डिस्काउंट पर इश्यू हो प्रीमियम पर इश्यू, डिस्काउंट का फैक्टर ये वाला और प्रीमियम का फैक्टर ये वाला हमेशा किसके साथ अटैच होता है, हमारी 3 इंस्टॉलमेंट या 4 इंस्टॉलमेंट होती है, हमेशा किसके साथ अटैच होता है अलॉटमेंट के साथ, हमेशा किसके साथ अटैच होता है बच्चों
अलॉटमेंट के साथ, ठीक है। हमेशा बच्चों किसके साथ अटैच होगा? अलॉटमेंट के साथ। अब ध्यान से सुनना, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, एक क्वेश्चन करते हैं। मैं पूरा क्वेश्चन के थ्रू ही समझाती हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन होगा, ठीक है। आ जाओ इधर, लिखो लिखो कंपनी इशू, लिखो बच्चों कंपनी इशू। कल हमने प्रीमियम वाले क्वेश्चन किए, आज हम डिस्काउंट वाले क्वेश्चन करेंगे। कंपनी इशू 10,000 15% डिबेंचर्स एट द रेट 98 रुपए, एट द रेट 98 रुपए। यानी कंपनी ने 10,000 डिबेंचर्स 15 रुपए के एट द रेट 98 रुपए क्या किए? इशू किए। हिरायकी रखी कंपनी ने एप्लीकेशन पे। हाँ बेटा, कंपनी ने 10,000 डिबेंचर्स इशू किए 98 के, हिरायकी रखी कंपनी ने कितनी? 25, 48। रेस्ट अमाउंट पेड इन, पहले सुन लो, रेस्ट अमाउंट पेड इन फर्स्ट मंथ। अब इधर देखना, ध्यान से सुनना, 98 25 48। एक काम करो, इसको 25 ना करके इसको 20 कर दो, इसको 20 कर दो। 20 और 48 बेटा कितना होता है? 68। 20 और 48 कितना होता है? 68। लोगों से कितना लेना है? 98। 20 रुपीस कहां पर है? 20 रुपीस कहां पर है? एप्लीकेशन। 48 रुपए कहां है? अलॉटमेंट में। तो 20 और 48 होता है 68 रुपए। तो बच्चों कितना हो जाएगा? 9 में से कितना फर्स्ट कॉल पे कितना जाएगा? 30 रुपए। फर्स्ट कॉल पे कितना जाएगा? 30 रुपए। फर्स्ट कॉल पे कितना जाएगा? 30 रुपए, राइट। ठीक है, चलो अब सुनना ध्यान से भाई। फर्स्ट कॉल पे आपका 30 रुपए जाएगा ना नेहा बेटा। 20 और 48 कितना होता है? 20 और 48 68। 98 का डिबेंचर है, 98 में से कितना गया? 68 गया। तो कितना बचेगा? 30। पक्का 30 ही है ना? आ जाओ अब सुनना ध्यान से बेटा, एक बात बताओ, डिबेंचर ऑलवेज क्रेडिटेड एट फेस वैल्यू। व्हाट इज द फेस वैल्यू? डिबेंचर ऑलवेज क्रेडिटेड एट फेस वैल्यू। व्हाट इज द फेस वैल्यू? 100 रुपए। 100 रुपए का डिबेंचर तुम कितने पर इशू कर रहे हो? 98 पे। यानी डिस्काउंट कितने का है? 2 रुपए का। डिस्काउंट कितने का है? 2 रुपए का। मैं आपको हजार बार बोल रही हूँ, डिस्काउंट किस पे आता है? अलॉटमेंट पे। डिस्काउंट किस पे आता है? अलॉटमेंट पर। तो इसमें मैं ऐसा क्या करूँ 2 रुपए के डिस्काउंट का कि ये 48 आ जाए? मैं इसमें ऐसा क्या करूँ 2 रुपए का कि इसमें 48 आ जाए? 50। डिस्काउंट हमेशा माइनस होता है क्योंकि डिस्काउंट से पैसा कम आ रहा है और प्रीमियम से पैसा ज्यादा आ रहा है। तो प्रीमियम हमेशा क्या होता है? प्लस। डिस्काउंट हमेशा क्या होता है? माइनस। डिस्काउंट हमेशा क्या होता है? माइनस। तो बच्चों क्या हो जाएगा? 50 माइनस 2। गॉट इट? इतना आया समझ सबको? ऑनलाइन बच्चों आया समझ? 50 माइनस 2। आ जाओ अब देखो, ये बनी मेरी हिरायकी। बढ़े आगे। अब कंपनी 10,000 डिबेंचर्स 15 रुपए के 98 पर इशू कर रही है। जो मैंने रेड में लिखा है वो आपका मिसिंग फिगर है। जो रेड में लिखा है वो बच्चा मेरा क्या है? वो क्या है? मिसिंग फिगर है। तो मिसिंग फिगर हमने ले लिया। आ जाओ अब एंट्री करते हैं। सबसे पहले बच्चों कौन सा पैसा मिलेगा? सबसे पहले कौन सा पैसा मिलेगा? एप्लीकेशन। बोलो एंट्री क्या होगी? बोलो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन होगी। बच्चों कितने से होगी? 10,000 मल्टीप्लाई बाय कितना? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 20। कितना होता है 10,000 मल्टीप्लाई बाय 20? 2 लाख। बीइंग एप्लीकेट डिबेंचर एप्लीकेशन रिसीव। नरेशन ना लिखूं चलेगा? लेकिन तुम लोगों को लिखनी पड़ेगी। चलो मैं भी लिख लेती हूँ। बीइंग व्हाट? बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन। बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन रिसीव। चले बच्चों आगे आगे बढ़ा जाए। अब डिबेंचर एप्लीकेशन कौन से अकाउंट में ट्रांसफर होगा? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर। हाउ मच? कितना परसेंट है? 15% है, ठीक। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर्स। बच्चों कितने से आएगा? 2 लाख से। अब सुनते चलना बेटा, बिल्कुल इधर ध्यान दो, लिखना बाद में अलॉटमेंट। अब बच्चों मेरे को अलॉटमेंट मनी ड्यू होती है, बोलो हाँ। अलॉटमेंट पे लेना कितना है?
48, वेरी गुड। लेकिन पर्सनल डिबेंचर्स कितने से क्रेडिट करोगे? 48 की 50, क्यों 50 से? क्योंकि डिबेंचर ऑलवेज क्रेडिटेड एट फेस वैल्यू, 50 उसकी क्या है? फेस वैल्यू। तो बच्चों देखो एंट्री क्या होगी, ध्यान से सुनना, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। बच्चों कितना लेना है पहले तो एक बात बताओ, 10,000 मल्टीप्लाई बाय कितना? 48 लेना है ना बच्चा, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 48 लेना है, कितना होता है 10,000 मल्टीप्लाई बाय 48? 4,80,000, वेरी गुड। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 4,00,000 क्या आ जाएगा? 80,000। अब सुनना ध्यान से, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट क्या हो गया? डेबिट हो गया, हो गया डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट 4,80,000 से। डिस्काउंट है 2 रुपए का, है ना, डिस्काउंट 2 रुपए का, 2 रुपए का बच्चों आपका डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट का नेचर क्या होता है? लॉस। लॉस क्या होता है? डेबिट। तो बोलो एंट्री क्या होगी, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। कितने से होगी बच्चा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स? 10,000 मल्टीप्लाई बाय बेटा कितना होगा? 2 रुपए, कितना हो जाएगा बच्चों? 20,000। 2% डिबेंचर्स, 2% डिबेंचर्स बच्चों कितना है? 5,00,000। वेरी सिंपल, इन दोनों को टोटल करो तो भी 5,00,000 आएगा, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 50 करो तो भी कितना आ जाएगा? 5,00,000। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, 2 बेटा क्या आ जाएगा जल्दी बताओ, 2 क्या आ जाएगा? 15% का क्या आ जाएगा? डिबेंचर। 15% का क्या आ जाएगा? डिबेंचर। फिर बोलो बेटा एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट, जल्दी बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट 2, डिबेंचर्स क्या आ जाएगा? अलॉटमेंट अकाउंट कितने से? 4,80,000। एम आई राइट? ठीक ठीक, वेरी गुड। अब चलो आगे बढ़ो, अब फर्स्ट कॉल ड्यू होगा बेटा, फर्स्ट कॉल भी कितना लेना है? मैंने बैलेंसिंग फिगर निकाल लिया 30 रुपया। तो बेटा एंट्री क्या होगी जल्दी बताओ, एंट्री क्या होगी बोलते चलो, डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 2%, परसेंट है 15%, डिबेंचर 30 रुपए लेने 10,000 पे, तो कितना लेना है बच्चा? 3,00,000। कितना लेना है? 3,00,000 रुपए लेना है। आ रहा है बच्चों समझ? डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 15%, डिबेंचर कितने से हो जाएगा? 3,00,000। फिर बेटा एंट्री क्या होगी? वेरी गुड, फिर एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर क्या आ जाएगा? फर्स्ट कॉल कितने से? 3,00,000 से। कंसेप्ट समझ आया? बोलो कंसेप्ट समझ आया। डिस्काउंट ऑलवेज कंसिडर एट द टाइम ऑफ, डिस्काउंट ऑलवेज कंसिडर एट द टाइम ऑफ, बोलो अलॉटमेंट, डिस्काउंट ऑलवेज कंसिडर एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। डिस्काउंट से पैसा कम मिलता है तो क्या करोगे, प्लस करोगे कि माइनस? माइनस। प्रीमियम में पैसा ज्यादा मिलता है तो क्या करोगे? प्लस। फटाफट नोट डाउन करो, फटाफट नोट डाउन करो बच्चों, जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो पॉज करके कर लेना। सुनना बेटा अब प्रैक्टिकल, अब आते हैं लमसम कंसिडरेशन विथ डिस्काउंट, हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है ना, हो सकती है। कंपनी इशू, लिखो बच्चों, कंपनी इशू 5,000 कॉमा 15% डिबेंचर्स। कंपनी इशू 5,000 कितने परसेंट डिबेंचर्स बच्चा? 15% डिबेंचर्स एट द रेट 97 ईच। क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो तो फेस वैल्यू कितनी मानते हैं हम? 100। 100 का डिबेंचर्स कितने पर इशू हो रहा है? 97, यानी 3 रुपए का डिस्काउंट। कैसे लिखे? 100 प्लस 3 की 100 माइनस 3। 100 एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, फेस वैल्यू 100 माइनस 3, ठीक है। अब इधर देखना बच्चों, इधर देखना, लमसम कंसिडरेशन रिसीव्ड, वर्ड आ रहा है बेटा, क्या आ रहा है? लमसम कंसिडरेशन रिसीव्ड, लमसम कंसिडरेशन रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ही पूरा पैसा मिल गया। चले आगे, अब सुनो ध्यान से, पास जर्नल एंट्री फटाफट पहले क्वेश्चन उतारो 2 मिनट में। कंपनी इशू 5,000 डिबेंचर लमसम कंसिडरेशन रिसीव एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, पास जर्नल एंट्री। कंपनी इशू 5,000 15% डिबेंचर्स 97 के हिसाब से लमसम कंसिडरेशन रिसीव एट द टाइम ऑफ
एट द टाइम ऑफ क्या एप्लीकेशन पास जर्नल एंट्री करो आ जाओ। अब सुनना, ध्यान देना, सबसे पहले ध्यान से सुनना, सबसे पहले बेटा कितने रुपए मिल रहे हैं हमें? 97। एंट्री क्या होगी? लमसम कंसीडरेशन एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट भी हो सकता है। शेफाली, अलॉटमेंट का मतलब, लमसम का मतलब ही होता है एक साथ सब मिल जाना। अगर आपके आपके पास एप्लीकेशन अलग मिला और अलॉटमेंट अलग मिला बच्चा, तो फिर ये लमसम नहीं है, फिर ये दो इंस्टॉलमेंट होगी। लमसम का मतलब ही होता है शेफाली की बेटा कि क्या होना, आपको एक साथ सारे इंस्टॉलमेंट मिल जाना। ठीक है बेटा, अब देखो बच्चों, ध्यान देना, एंट्री क्या होगी? 5000 मिले। एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू, बोलो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, यही होगी ना? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितना रुपया मिलेगा? कितना रुपया मिलेगा? 5000 into 97 कितना आता है बच्चा? 4,85,000। नरेशन में क्या लिखोगे? बीइंग लमसम अमाउंट रिसीव। ठीक, बीइंग लमसम अमाउंट रिसीव। अब बच्चों इधर देखना, ध्यान से इधर ध्यान देना, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्या आएगा? डेबिट। कितने से आएगा बच्चा? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 4,85,000 से। लेकिन क्या परसेंट डिबेंचर 4,85,000 से जाएगा कि वो फेस वैल्यू से जाता है? वो फेस वैल्यू से जाता है। फेस वैल्यू कितनी है? 5,000 into 100 कितना? 5,000 into 100 5,00,000। 3 रुपए का क्या है? डिस्काउंट। डिस्काउंट प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस है। लॉस क्या होता है? डेबिट। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। फिर क्या आएगा बच्चों? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितने से? 3 रुपए से। 5,000 into 3 बेटा कितना होता है? 5,000 into 3 5,000 into 3 कितना होता है? 15,000। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट बेटा क्या आ जाएगा? डेबिट टू, बोलो टू क्या होगा? 2% डिबेंचर्स। कितने कितने परसेंट डिबेंचर्स आएगा बच्चों? 215% डिबेंचर्स। कितना? 5,00,000। वैसे भी 5,000 into 100 होता है, समझे? अगर इंस्टॉलमेंट में हो तो डिस्काउंट कहाँ होता है? अगर इंस्टॉलमेंट में हो तो डिस्काउंट कहाँ होता है? अलॉटमेंट पर। और अगर लमसम हो तो एक ही साथ। ठीक, लमसम हो तो एक ही साथ। आया बच्चा समझ? ठीक, फटाफट नोट डाउन करो, इसको नोट डाउन करो। हो गया? हो गया तुम लोगों का? चल अब सुनो ध्यान से, अब आपको एक क्वेश्चन करना है। अभी कंपनी इशू 5,000 डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ 97, यानी इशू किस पे हो रहा है? पार प्रीमियम डिस्काउंट इशू हो रहा है। डिस्काउंट कैसे लिखोगे इसको? फेस वैल्यू हमेशा ऑलवेज कंसीडर 100 में मैं क्या करूंगी? 97 आ जाए, माइनस थ्री। ठीक, आ जाओ बेटा इधर देखना। केस वन, एप्लीकेशन अमाउंट 50, रेस्ट अमाउंट एट अलॉटमेंट। एप्लीकेशन अमाउंट 50, रेस्ट अमाउंट एट अलॉटमेंट, रेस्ट अमाउंट एट अलॉटमेंट। मुझे नहीं मालूम कितना अलॉटमेंट पे, बता सकते हो? 50 और 47। ठीक है, ये आपको करना है। मुझे नहीं मालूम डिस्काउंट कहाँ पर होगा, एप्लीकेशन पे कि अलॉटमेंट पे? डिस्काउंट कहाँ होगा, एप्लीकेशन पे कि अलॉटमेंट पे? अलॉटमेंट पे। अब अलॉटमेंट पे कितना है, क्या प्लस करना है, क्या माइनस करना है, वो आपके ऊपर रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू सुनो। फुल अमाउंट रिसीव एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, फुल अमाउंट रिसीव एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, पास जर्नल एंट्री फटाफट करो। फुल अमाउंट रिसीव एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, मैं 5 मिनट का टाइम दे रही हूँ।
फाइव मिनट्स का टाइम दे रही हूँ, जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो पांच मिनट के बाद अपने आप को अनपॉज कर लेना, अभी पॉज करो। तो सुनो, कंपनी इश्यू 5000 डिबेंचर्स 97 का, एप्लीकेशन पे ₹50 मिलेगा, तो बेटा अलॉटमेंट पे कितना मिलेगा बोलो, अलॉटमेंट पे कितना मिलेगा? 47, क्योंकि प्रीमियम ₹100 है, प्रीमियम 3 का डिस्काउंट है, ऐसा क्या करूं कि 3 का डिस्काउंट आए, 50 माइनस क्या कर दूं 3, पूरा अमाउंट रिसीव एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, पूरा अमाउंट कितना मिलेगा यहां पर 97 का, ठीक है। चलो बेटा एंट्री क्या हो गई बोलो, एंट्री क्या हो गई? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन, कितने से मिलेगा बच्चों? 50,000 × 5,000 तो कितना हो जाएगा भैया? 2.5 लाख। 50,000 × 5 कितना हो जाएगा? 2.5 लाख। फिर एंट्री क्या हो जाएगी? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, कितना परसेंट डिबेंचर्स है, कितना? अच्छा परसेंट डिबेंचर्स दिया ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं ना, तो आप ऐसे ले लो ना, क्या दिक्कत है? 2% डिबेंचर्स कितना? 2,50,000, राइट, ऐसे ले लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना। आ जाओ फिर अलॉटमेंट पे, बच्चा कितना आना है जल्दी बताओ? डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से डेबिट होगा भैया? लेना है 47, 5,000 × 47 2,35,000, 5,000 × 47 कितना होगा भैया? 2,35,000, 3 का डिस्काउंट, डिस्काउंट किसके साथ लगाते हो आप? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, डिस्काउंट किसके साथ लगाते हो? अलॉटमेंट के साथ। 5,000 × बेटा कितना? 3 रुपया, 15,000। 2 बेटा परसेंट डिबेंचर्स, कितना हो जाएगा बच्चों परसेंट डिबेंचर्स? परसेंट डिबेंचर्स कितना हो जाएगा? 50 रुपए ना, 5,000 × 50 रुपए बेटा कितना हो जाएगा? 2.5 लाख। फिर एंट्री क्या होगी बोलो, एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, बच्चों क्या होगा? अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, कितने से होगा बच्चों? 2 लाख क्या आ जाएगा? 35,000। आया समझ? आया पक्का? अब लमसम पैसा मिला, करूं लमसम पैसा? ये हो गया, एक मिनट नोट डाउन करना है, कर 2,35,000 कहाँ से आया बेटा? अलॉटमेंट पे कितना मिला है? 47, 5,000 × 47 करो कितना होता है? देखो अलॉटमेंट पे आपको कितना मिलना है? 47 ना, तो 5,000 × 47 और 3 रुपए का क्या होगा बेटा? डिस्काउंट, 3 का क्या होगा? डिस्काउंट, कहाँ से पता लगा 3 का डिस्काउंट है? ये रैकी बना ली मैंने, ठीक है। चलो बच्चा आगे नोट डाउन करना है, हो गया कर लिया? चलो आ जाओ, इसके बाद बोलो, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या है? अब पूरा पैसा क्या मिल रहा है बोलो बच्चों? पूरा पैसा क्या मिल रहा है? लमसम। जब आपको पूरा पैसा लमसम मिल रहा है तो बेटा एंट्री क्या होगी? जब पूरा पैसा लमसम मिल रहा है तो एंट्री क्या होगी? कितने रुपए से होगी? 97 की 47, 97। एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, पूरा पैसा मिलता है तो यही होती है ना, 5,000 × 97 करो कितना होता है? 5,000 × 97 कितना? 4,85,000, राइट। फिर बेटा एंट्री क्या होगी जल्दी बताओ? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने से? 4,85,000। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट कितने से? 15,000। 2% डिबेंचर्स, कितना परसेंट? परसेंट है ही नहीं, तो 2% डिबेंचर्स कितने से बच्चों? 5,000। हो गया, आया समझ? समझ आया? वेरी 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 सिंपल, गॉट इट? बढ़े आगे, आगे बढ़ा जाए, आ जाओ। अब आते हैं हम अपना अगला कंसेप्ट, ध्यान से सुनना, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा क्या है?
सबसे पहले अगर कंपनी ने कहा कि मुझे लोन दो, सुनना ध्यान से, कंपनी ने कहा मुझे क्या करो, लोन दो, लोन देने के लिए कंपनी क्या इशू करेगी, डिबेंचर्स। कंपनी ने 5000 डिबेंचर्स इशू किए, 5000, बच्चों इधर देखना, 5000 डिबेंचर्स इशू एट द रेट 98, यानी कितने पर इशू किए, पार पे प्रीमियम पे कि डिस्काउंट पे, पार पे प्रीमियम पे कि डिस्काउंट पे, डिस्काउंट पे, तो कितना हो जाएगा भैया, 100 माइनस 2, कंपनी ने 5000 डिबेंचर्स इशू किए 98 पर, लोगों ने, और रेट इसका था माने कितना, 15%, कंपनी ने कहा आके हमारी कंपनी में पैसा लगाओ और ले लो डिबेंचर्स, हम आपको बदले में क्या देंगे, हम आपको बदले में क्या देंगे, इंटरेस्ट, हम आपको पहले तो क्या देंगे, इंटरेस्ट, राइट। अब इनको लगा, लोगों को लगा, अरे बैंक तो रेट 7% दे रही, कंपनी 15% से इंटरेस्ट दे रही, चलो बैंक में से पैसा निकालो और कहाँ लगा दो ये पैसा, कंपनी में लगा दो, कंपनी के क्या खरीद लो, डिबेंचर्स। तो कंपनी ने कितने लोगों को इनवाइट किया, मेरे मुझे आके लोन दो, 5000 लोग बड़े अट्रैक्शन में आ गए, और लोगों ने क्या कहा, लोगों ने इनविटेशन लिया, एप्लीकेशन साइन, एप्लीकेशन रिसीव्ड, बच्चों ध्यान से सुनना, एप्लीकेशन रिसीव्ड ऑन 6000 डिबेंचर्स, याद रखना जब भी आपकी एप्लीकेशन आती है, एप्लीकेशन रिसीव होती है बिना पैसे के नहीं आती, एप्लीकेशन किसके थ्रू आती है, एप्लीकेशन मनी के थ्रू आती है, ठीक है। और कंपनी की हिरायकी थी 40 और रेस्ट अमाउंट पेड इन अलॉटमेंट, अब रेस्ट अमाउंट मुझे नहीं मालूम कितना है अलॉटमेंट पे, बोलो कितना होगा रेस्ट अमाउंट, रेस्ट अमाउंट कितना होगा 40, और जल्दी बोलो रेस्ट अमाउंट कितना होगा, जल्दी बोलो बच्चों, रेस्ट अमाउंट हमारा कितना होगा, रेस्ट अमाउंट कितना होगा, अरे 98 है ना, 48 होगा ना, कितना होगा 48, बच्चों एप्लीकेशन, हाँ सही तो है, 40 और 48, अच्छा सॉरी सॉरी, ओ 58, चलो 5000 डिबेंचर्स इशू हुए थे 98 के रुपए के हिसाब से, 90 प्लस क्वेश्चन मार्क, एप्लीकेशन रिसीव ऑन कितने डिबेंचर्स, 6000 डिबेंचर्स, तो कितने लोगों को एप्लीकेशन, कितने लोगों की मिलेगी, 6000, एप्लीकेशन कितने लोगों की मिलेगी, 6000, लेकिन कितने लोगों को डिबेंचर्स दोगे, 5000, और एक्सेस पैसा कितने का, 1000, 1000 को क्या कर दोगे, रिजेक्ट कर दोगे, यानी 1000 को क्या कर दोगे, रिफंड कर दोगे, कल करेंगे, पहले आज लिख लो होमवर्क, बिना टीएस ग्रेवाल 2020 एडिशन पेज नंबर 9.56 क्वेश्चन नंबर 14569, ठीक है 14569, मिलते हैं कल बच्चों।